अपनी बात यहाँ पे अब हमारे रमन बाला जी आपको आपके नारे में जो बात डालना चाहता हूँ, जो श्राइन बोर्ड और बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ वैष्णो देवी के अंदर जो ये गुमनोला लगा रहे हैं, हम चाहते हैं जब भी आप यहाँ जीते और आपका सबसे पहला मुद्दा ये होगा कि जो रोपवे है वो नहीं लगने दिया जाएगा। हमें कांग्रेस के ऊपर पूरी उम्मीद है, जब वो रोड बनने लगा राजेश पायलट साहब जहाँ आए उन्होंने वो मशीनें लगी हुई वापस भेजी। हमें आपसे यही मांगा है कि आप हमारी इस मांग को पूरा करें। दिया सारी टेस्टिंग हो गई, ये तुम्हारे लोगों के साथ धोखा है। भारतीय जनता पार्टी तुम्हारे बच्चों की तुम्हारी रोजी रोटी की दिन दहाड़े टाका मार रही है। मैं सभी साथियों से कहूंगा, बीजेपी का जो एमएलए यहाँ पे पहले रहा प्रदेव राज शर्मा, वो कहता है हमारा स्टैंड है, इसकी मीटिंगें गांव और पहाड़ों में कहीं होनी नहीं चाहिए। घोड़े वाले हों, पिट्ठू वाले हों, रोपवे भी बातें करे, सिर्फ नहीं बातें करे, मैं आपसे दावे से कहता हूं कि जब विपक्ष यहां पे आएगा आप लोगों के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाते हुए आपको उस मंदिर तक पहुंचाया जाएगा। हम लोग इसलिए चाहते थे, मसला हमें पार्टी का समर्थन भी है और आप लोगों के साथ की भी जरूरत है, लेकिन आप फिर से समझे इस वक्त हिंदुस्तान को बचाने की जरूरत है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की जरूरत है। जुड़िएगा भारत। धन्यवाद। जय हिंद। है ही मुद्दों की बुशारा, इन्होंने दिया क्या, इन्होंने काम कौन सा हल किया? जो गुमराह करते थे जुमलों की 15 लाख 2 करोड़ नौकरी, रियासत का दर्जा छीनने का तो मैंडेट इनके पास नहीं था, यूटी बनाने का मैंडेट लोगों ने नहीं दिया था, इसलिए लोग गुस्से में हैं कि उनको कहीं पे भी राहत नहीं, नौजवानों को कहीं रोजगार नहीं, प्राइवेट सेक्टर में कोई इन्वेस्टर जम्मू में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं आया, विधवाओं की पेंशन बंद कर दी, बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी, कोई 10 साल में कोई नया प्राइमरी स्कूल का उद्घाटन ये लोग नहीं कर पाए, तो करते क्या रहे? सिर्फ खुशामदी दिल्ली वालों की, दिल्ली वालों को जितनी ताकत दे दी, आज गवर्नर की पोस्ट कहाँ है? ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार था, हमने 3 प्राइम मिनिस्टर दिए हैं, मेयर चंद महाजन पहला प्राइम मिनिस्टर था, बख्शी साहब प्राइम मिनिस्टर रहे, शेख अब्दुल्ला, जहाँ पे हम प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदें हमेशा रखते थे वहाँ पे हम चीफ मिनिस्टर से लेके हम असेंबली का एमएलए भी नहीं देख रहे 2 साल से। ये भाजपा की देन है, ये न्याय भाजपा का है कि आज लोग सड़कों पे आए, मंदिरों के शहर को सारा शराब की दुकानों में तब्दील कर दिया, लोकल रेत और बजरी माफिया सारा पनपना रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन में परफॉर्मेंस है, दरबार मूव कर दिया, दरबार मूव के लोग आते थे जम्मू में, उन लोग जम्मू के लोगों का कारोबार चलता था, आज ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री टोटली फेल होकर रह गई है। हर मरले में जो भी यहाँ पे इन लोगों ने बातें यहाँ पे की थी, जो चुनाव से पहले दावे किए थे हम नोटबंदी करेंगे आतंकवाद की कमर तोड़ेंगे, तो फिर सिलेक्टिव किलिंग टारगेटिंग के कहाँ से आई, ड्रोन के जरिए हथियार कहाँ से आ रहे हैं, आज बॉर्डर डिस्टर्ब है, रिफ्यूजी कितने लोग हैं, 2.5 लाख से ज्यादा जो कमिटमेंट थी कि मनमोहन सिंह जी कम से कम 30 लाख रुपए देंगे फाइनेंशियल पैकेज ताकि वो अपने पांव पे खड़ा हो जाए, क्योंकि उनकी सारी जमीनें पाकिस्तान इलाके में चलेगी, आज वो 5.5 लाख रुपए के आगे 25 लाख देने की बात नहीं करते, तो रिफ्यूजियों में भी गुस्सा है, हम रिफ्यूजियों की भी लड़ाई भी लड़ेंगे, यहाँ के पिट्ठू की भी लड़ाई भी लड़ेंगे, यहाँ पे गंडोला और जो भी प्रभावित यहाँ पे लोग हैं कटड़ा के लोगों के साथ हम उनके कद में लिया, बड़ा सोच विचार के किया, लाल सिंह और हम दोनों लोग मुदायन हैं, दोनों फिदायन बन के कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में BDC का भी चेयरमैन पूरा नहीं बना सके, 78 से ज्यादा क्रॉस नहीं करे, वो एक्टर हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन पार्टी के जहाँ पे गवर्नर की सवाल 3 साल से ज्यादा हुकूमत नहीं कर पाए, ये परफॉर्मेंस, ये उनकी गुमराह 1996 में भाजपा के MLA थे। अब मैं उनसे पूछता हूँ, भाजपा के MLA 3 थे, मैं तो 2002 में MLA बना, राजनाथ सिंह जी कहते हैं रोंगियो बड़ा खतरा है, तो साफ सूंघ जाता उनको, क्या इनको निकालने में किसी एक आदमी को निकाला, 10 साल में ये हुकूमत है इनकी कर रही, और आज भी जिनको जमीनें दी है उसका किराया भाजपा वाले वसूल कर रहे हैं।